जय गुरुदेव जय जगन्नाथ आपण मान प्रिय कार्यक्रम दिव्यावलोकन आसर को आपण मान स्वागत दिव्यावलोकन ने जारी रही अनेक दिव्य कथामृत जो कथा आपण जीवन को सुंदर करो कथा करपण जीवन को सरस आो कथा करपण जीवन को मधुमय एमती अनेक कथार आसर को नहीं आपण प्रति मुहूर्त प्रतिटि प्रसंग को चर्बित चर्बण करी उपस्थापन करी विशेष भाव व्याख्या करी विज्ञानी गुरु श्री संथा गुरुजी को कार्यक्रम को स्वागत करिबु जय गुरुदेव जय गुरुदेव दर्शक बंधु घर अगणा बाड़ी ये सबुआड़े थी बहु उपकारी एवं प्रभावशाली वृक्ष को नहीं जारी रही आलोचना आपण मैंने भाई आम अजणात आम बापा अजा लगे आम बाड़ी गच्छ सबू एत प्रभावित करती आम जीवन को आउ ता पछरे भी थाईपे एत विज्ञान जहाँ बदल पाए आम जीवन दिशा जहाँ समृद्ध करपे आम नश्वर जीवन को एवं शुणु शुणु लगुच सतरे आम केजणा केहस्यमय के गोपनीय हो आम पाखे रही आम पारंपरिक विज्ञान नीति से बाट दे जावास करूँ हेले के बुझाक चेष्टा करूँ ता पछरे उद्भिदर उपकारी गुण को उद्भिदर प्रति उपादान पछरे एक श्रेष्ठ विज्ञान को एवं कितु सुजोग मिली और सुविधा मिली दिव्यावलोकन कार्यक्रम मध्यम आम जानुचे बुझुचे ये सब को तेब आज आसर को आउटी आगे नवा गुरुजी आम यज्ञ वृक्ष बौल गच्छ विषय विशेष भाव में आलोचना करते साधारण तो बाड़ी गच्छे कहले जहाँ बाड़ी आंब गच्छ थाए तार खुशी कहले न सरे पहले शीत दिन आसु आसु गच्छे बौल धरु धरु अंटी अंटीए लेखा टेका धरी गाँ पिलाए ठिया होती से गूल घरे पूजा टीए दरकार बो आगे जा सफा सुतुरा भांगी आने आंब डाड़टाए तो गोटे वृक्षर अनेक उपकारिता अच्छे आम एक जाचु आम जी जाचु ताेर थी ये गचर उपकारिता जहाँ आपण तथ्य थी गुरुजी प्रथम कहतु ये वृक्ष आंब वृक्ष गृहर कौ दिगरे रहा सबुठ भल आम बकुल कथा चर्चा करूले बहिर्यज्ञ कथा आम चर्चा करूले जितेबले बहिर्यज्ञ कथा आसला से आम बकु कथा चर्चा को आनी ठीक गोटे यज्ञ अनुष्ठान जहाँ सुफल मिले ठीक से भाई यज्ञ अनुष्ठान सुफल प्रदान करुवा वृक्ष हूँ बकु यज्ञ साधारणत दि भाग विभक्त करज्ञ बहिर्यज्ञ ये आउ गोटे यज्ञ वृक्ष कथा आम चर्चा करवा जहाँ अंतर्यज्ञ प्रजुज्य जहाँ को आम कह आंब गच्छ आंब गच्छ प्रायत आम जी आम संस्कृति आम लोक कथा देखु सबुठ प्रिय वृक्ष एवं बारी भितर जी कहीं के चिंता कै कौ गचटे लगे ता मुंड भितर प्रथम आसे नड़िया गचटे लगे आंब गचटे लगे आंब केवल तार फल प्राय प्रिय नुहे अनेक गुण भितर रही साधारण भाव में जिते आम चिंता करूँ वृक्ष रोपण करने आंब गचटे बाड़ी में लगेपी से तो आम मन भितर थाए फलटीर कथा बा आंब भली सुआदिया फल जी फल भितर रजा से फल को आम पाइबार जो लालसा से लालसा आम को आकृष्ट करें आम बाड़ी आंब गचटे लगेपाई किंतु एमती अनेक कथा अच्छी जहाँ को आम जाने एवं जहाँ प्रत्यक्ष भाव आम प्राप्त हो आंब गचर साधारण भाव आम तेज वृद्धिकारी वृक्ष भाव आंब गच को ग्रहण करंब गछ गोटे एमती गछ जहाँ आम शरीर भितर उत्ताप तेज वृद्धि करें जिमती आम यज्ञ करने बिना अग्नि रे यज्ञ करवा असंभव बा अग्नि देवता को जदि आवाहन आम न करे ताले आमे आहुति दे पारिबा नाही एवं से आहुति प्रदान करिया पय अग्नि देवतांकर आवश्यकता अछि ठीक सेमती अंतर्यज्ञ रे अंतर भितरे अग्नि प्रज्वलित करिवार जहाँ विधि एवं विधान ताकु मध्य आमे अस्वीकार करि पारिबा नाही आंब वृक्ष अग्नि उद्रेककारी बा आम शरीर भितर जो त्रिताप प्रदान करो तीनिटी अग्नि प्रज्वलित होती से तीनिटी अग्नि को प्रज्वलित कर रखिपार
ଶକ୍ତିକାରକ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଆମ୍ବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଗ୍ନି କଥା ଆସିଲେ ଏଠି ଟିକେ ବାସ୍ତୁ କଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଦିଗକୁ ଆମେ ବିଭାଗ କରିଛେ, ଦଶ ଦିଗରେ ଆମେ ବିଭାଗ କରିଛେ ଏବଂ ଦଶ ଦିଗରୁ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଚାରୋଟି ଦିଗ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ଛଅଟି ଦିଗ ରହିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌଣ୍ୟ ଦିଗ। ଏବଂ ଦଶ ଦିଗରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଯେ ଦଶ ଦିଗରେ ଦଶ ଦିଗପାଳ ବା ଦଶଟି ଦେବତା ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ବା ଯେଉଁ ଦଶଟି ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଣିଷ ଉପରେ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଦଶ ଦେବତାଙ୍କର ସୁପ୍ରଭାବ ମଣିଷ ଉପରେ ନ ରୁହେ ତାହେଲେ ମଣିଷ କ'ଣ କରେ ନା ମଣିଷ ଜୀବନ ନର୍କସମ ହୋଇଯାଏ, ବା ନିଜକୁ ସିଏ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଉପାଦାନ କମ୍ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦଶ ଦେବତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ସେ ଦଶ ଦେବତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ଆମେ ଦଶ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ମନେ ନ ରଖିପାରିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ନ ରଖିପାରିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ତାକୁ ପୁଣି ତିନି କରିଦେଲେ, ଯେ ତିନି ଦେବତାଙ୍କର ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମେଟାଫିଜିକ୍ସକୁ ଯାଉଛେ, ଫିଜିକ୍ସକୁ ଯାଉଛେ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯାଉଛେ, ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ନା ପଦାର୍ଥରେ ତିଆରି ହେଉଛି ତା'ର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ତିଆରି ହେଉଛି ବା ଆଟମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଏବଂ ସେ ଆଟମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ନା ତା ପାଇଁ ପୁଣି ତିନିଟି ପଦାର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍, ପ୍ରୋଟନ୍। ବା ଏଇ ତିନିଟି ପଦାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଅଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ପରମାଣୁ ତିଆରି କରି ଗୋଟେ ଆଟମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥର ତିଆରି ହୁଏ ବା ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏବଂ ସେ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ତିନିଟି ପଦାର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍, ପ୍ରୋଟନ୍। ଠିକ୍ ସେମିତି ମଣିଷକୁ ସୁସଂଗଠିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍, ପ୍ରୋଟନ୍। ଏବଂ ଏ ତିନିଟି ଶକ୍ତି କାହାଠୁ ମିଳୁଛି? ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ମହେଶ୍ୱର। ଏ ତିନି ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମୂଳ ଆଧାର ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଆବିଷ୍କାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ପ୍ରୋଟନ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଜୀ, ଆଗକୁ ଆମ ପାରମ୍ପରିକ ବିଚାର, ଆମ ପରିବେଶ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଚମତ୍କାର ବିଜ୍ଞାନ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ନେଇ। ଆମେ ଆମ୍ବ ଗଛର କଥା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ନେଇ ଆମେ ଦିଗକୁ, ଦିଗରୁ ଦିଗପାଳଙ୍କର କଥା ଏବଂ ଦିଗପାଳଙ୍କ କଥାରୁ ତ୍ରିଦେବଙ୍କର କଥା। ବା ତିନିଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ବା ମୁଖ୍ୟ କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ଞ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅହରହ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଶକ୍ତି କାରକ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ତିନି ପଦାର୍ଥ ବା ତିନି ଦେବତା। ଏବଂ ଆ ଭିତରେ ସାର କ'ଣ ନା ଗୋଟେ, ଯଦି ତାପ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟି ପଦାର୍ଥ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେବେ ନାହିଁ। ସେ ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଦିଗ କେଉଁ ପଟେ? ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହୁ ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ କୋଣ, ଯାହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ, ଯାହା ଅଗ୍ନି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆମ ଶରୀରକୁ, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହୁ ଯେ ଅଗ୍ନି କୋଣ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରଟେ ତିଆରି କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଘରର ରୋଷ ଘରଟି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ଅଗ୍ନି ସେଠି ରହିଲେ ଆମକୁ ତେଜ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦିଗ ଶୂଳ କଥା ବା ଦିଗ କଥା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଗଛଟି କେଉଁ ଦିଗରେ ରହିବା ଉଚିତ? ଆମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଯେହେତୁ ଏହା ଅଗ୍ନିକାରକ ବା ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ବା ଆମ ପରିବେଶରେ ଅଗ୍ନି ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଆମ୍ବ ବୃକ୍ଷର, ତେଣୁ ଆମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ରହିବା ଉଚିତ। ବା ଅଗ୍ନି କୋଣରେ ଯଦି ଆମେ ଆମ୍ବ ବୃକ୍ଷଟି ଲଗାଉଛେ ତାହେଲେ ଆମେ ମାତ୍ରାଧିକ ବା ଯେତିକି ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଆମ୍ବ ବୃକ୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲଗାଇ ପାରିବୁ। ସବୁଠୁ ମହତ ଗୁଣ ହେଉଛି ତା'ର ଅଗ୍ନିକୋଣରେ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଆମର ଚଳାଚଳ ଖୁବ୍ କମ୍ ରୁହେ। ଆମେ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପୁଣି ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ବ ଗଛଟି ରୋପଣ କରାଯାଏ, ଆମ୍ବ ଗଛର ସବୁ ବୃକ୍ଷର କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲେ କିଛି
खराब गुण मध्ये थाए। आंब गछ गछरु जो अठा बाहर बा जो रस बाहर बौल हवा समय बौल रु जो रस बाहर सी सबू रस आमोद प्रिय होउचंती काई बा जंदा से वृक्ष मूल अत्यधिक हमती तेणु गछटी एमती जगार लगे दरकार जहाद्वारा आम काई बा जंदा द्वारा आहत प्राप्त होबुना से घर आम जितेबाला घर टे साधारण भाव में घर तैयारी करूँ से तो आम देखू जे पूर्व दक्षिण कोण आम खूब कम व्यवहार करूँ से तो प्रवृत्त गोटे आमर एमती मानसिकता हो जाए था से दिगक आम कम व्यवहार करने को पड़ था तेनाली गछटी आम आंब गछटी दक्षिण पूर्व कोण से लगे तो काई एवं जंदा भली जो माने खूब कम विष थिले आमको कष्ट पारती से प्रकार जंतु दूरे रखापी आमको सबुठ श्रेष्ठ दिग हूँ दक्षिण पूर्व दिग अन्य जो दिगरे वृक्ष अच्छे आम भावुँ यहाँ सठिक दिग नुह काटिदबा उचित ता उचित नुहे प्रत्येक स्थान घर जेकोसी दिगरे जमी आम बेल गछ कथा कहले जे तार दिगशूल ना ठीक सेमती आंब वृक्षर मध्य दिगशूल न थाए कहीं दिगशूल ना केवल जे अग्नि उद्रेककारी शक्ति आंब वृक्ष अच्छी ता नुहे आंब वृक्ष आम कहू जे माँ अंबिका बास करती बा गोटे गछ एमती गछ जोटी दस दिगपाड़ बासस्थान हूँ आंब वृक्ष जोपाई आम कहले अंबिका कौन रूपतांकर कौन ना अष्टभुजा बा आठटी शक्ति को धारण करुवा गोटे मूल शक्ति आठ अंबिका निजे हेले नवम शक्ति दशम शक्ति व्याघ्र तेणु ये जो दस टी जाक शक्ति बा दस दिगपाड़ आधीन प्रत्येक गुड़े शक्ति को धारण कर रखुवार क्षमता आंब वृक्ष अच्छी जोबले आम अंबिका पूजा कथा कहा जाए से आम आंब वृक्ष को पूजा करेणु जेकोसी दिगरे जदि आम आंब गए अच्छी तेल आंब गई कौन सी प्रकार अहितकारक नुहे हितकारक निश्चिंत भाव कि विशेष हित तार आसब आंब वृक्ष आम पाइब कौटी ना जितेबले दक्षिण पूर्व दिगरे आम आंब वृक्षटे लगे तेणु आंब बहुत समय आम देखू बा लोक परंपर लोक कथा आम शुणा को पाऊ जे जो मैंने आंब बागेना कर आंब बगिचा कर किछे दिन परे गोटे पीढ़ी पर समानकर अधोपतन आसे जो अधोपतन आम साधारण भाव लोक कथा शुणु कि पछर मध्य किछे विशेषत्व अच्छे जितेबाला आम आंब बगिचाटे करुचे जमती शक्ति को धारण करने उपयुक्त पात्र आवश्यकता अच्छी जदि अग्निटी को आम खाली हाथ में रखिबू खाली हाथ में धरबू हाथ पोड़ जबार संभावना अच्छी तेणु अग्निकारक वृक्ष होउचंती आंब वृक्ष जदि से अग्नि को धारण करिवार क्षमता शक्ति सत्पात्र आम भितर न थाए से कौन करे ना दहन करिवार संभावना थाए बा परिवार उपरे तार कुप्रभाव विस्तार करी पारे तो से कुप्रभाव रु दूर करिया पाई जो जो माने आंब बगिचा करिछन बा अनेक गुड़िए आंब वृक्ष गोटे जगार लगे से माँ अंबिकांकर उपासना करिवा कथा बा अंबिका को स्थापन करिवा दरकार बा अंबिकांकर मंत्र रे अभिमंत्रित करने दरकार प्रत्येक वृक्ष गुड़ी को तेज दर्शक बंधु माँ आंब गछ सहित केमी जोड़ी अंबिका अनेक समय गाँ गहली लोक कथा जहाँ को आपण मैंने अंधविश्वास कहते जे जार आंब बेगना थाए तार पीढ़ी पर दुख पलि आसे ये कथा पचरे केमीका विज्ञान रही आध्यात्मिक दर्शन रही तार प्रतिकार के विषय चमत्कार व्याख्यान रखुच्च विज्ञानी गुरु जहाँ आम साधारण भाव अति साधारण कथा को चर्चा करुचे ये तो अनेक मान प्रश्न आसी पारे मन भितर जे ये गोटे अंधविश्वास कथा गछ तो गछ गछ लगे पुणी गछ सहित ठाकुर को कहीं संपर्कित करवा अंबिका को पूजा करदे कौन लाभ हम कौन सी चित्र जहाँ आम साधारण हेतुवादी अर्थ में आम कहवा
हेतुवादी शब्द कहवा कौन सी देवता मान रूप बिना अर्थर सृष्टि करदि आम बाह्य चित्र को नौ बा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट फिगर जदि कौन सी देवादेवी शरीर को आम गोटे बाह्य चित्र भाव परिप्रकाश करूँ से गोटे जंत्र रूप नब एवं जंत्र कथा आम विस्तृत भाव में वर्णना करमी जंत्र गुड़िक फाइबर ऑप्टिक रिलेशन रही गोटे शक्ति को धारण करवा शक्ति को रूपांतरित करवा एवं सूचना को रूपांतर कर गोटे स्थान रु अन्य स्थान को पहुँचवा रे केमी जंत्र साहय कर विषय आम चर्चा कर तो ये जो जंत्र गुड़िक सृष्टि हूँ से जंत्र गुड़िक स्वयं सिद्ध गोटे शक्ति को धारण करी आउ गोटे स्थान को पहुँचवा गोटे शक्ति को गोटे स्थान रे संरक्षित कर रखा गोटे शक्ति को सठिक समय रे सठिक स्थान रे शक्ति प्रेरित करवा तेणु जो अंबिकांकर कथा आम कहे माँ चित्र कथा आम कहे से गोटे जंत्र एवं से जंत्रर कार्य कौन ना शक्ति जो अग्नि शक्ति अच्छी बा अग्नि रूप से शक्ति लुकायित भाव में आंब वृक्ष अच्छी से शक्ति को से वृक्ष भितर सीमित कर रखा तार प्रतिफलन ज्वाला कौन सी प्रकार क्षय क्षति मनीष समाज उपरे न पड़ू से आम व्यवहार करने कथा कहले अंबिका जंत्र कथा अंबिका मंत्र कथा अंबिका मूर्ति कथा अंबिका प्रतिमूर्ति कथा ये सबू आम चर्चा को आनीचे जार विशेष गवेषणार आवश्यकता अच्छी एवं विशेष भाव से विषय आलोचना कर आवश्यकता अच्छी जे केमी अंबिकांकर सुदृष्टि फल जो आंब वृक्ष हूँ आंब वृक्ष भितर सृष्टि कर अग्नि रूपक शक्ति आम शरीर में केमी काम करें से वृक्ष अग्नि सहित जड़ित बोली पुणी प्रमाणित करवा आवश्यकता अच्छी जितेबले आम देखुचे जे साधारण भाव में आम कौ विष विष को काटे आम साधारण जितेबले खरा जोर बढ़े से आंब फल फले एवं गाँव मानक लोक कथा अच्छी जितेबले आंब कंचा थिबा अवस्था रे ताको पणा करिकी पीवा को दिया जाए काहिंकि ना सूर्यंकर जो प्रकोप आम उपरे पड़े ता द्वारा आमको लू भली रोग न हो खरा द्वारा आमे बा जो सूर्य रश्मि आम उपरे कुप्रभाव विस्तार न करि पारु सेतिपई आमे आंब कंचा आंबर रस करिके आमे पणा करिके आमे पान करू द्वितीय जे सूर्यंकठु प्रखरता बा तेज प्रखर केमिति हुए बा अग्निर रंग कौन अग्निर रंग स्वर्णव रंग बा हलदिया रंग होउछि अग्निंकर रंग ठीक सेमती जितेबले आम आंब फल कथा चिंता करूछि से आंबर रंग केमिति ना जितेबले पाची जाए हलदी हो जाए एवं उद्भिद विज्ञान कहूँ जे जो फल फूल ये सब रंग सृष्टि होउछि रंग आसुछि केमिति कौन भितर गच भितर बस किए रंग करा ता नुह रंग केमी हो सूर्य रश्मि ठारू जो रंग मात्राधिक भाव वृक्ष ग्रहण करार शक्ति थाए तार फल फूल से रंग हो जाए तेणु रंग कौट प्राप्त हुए ना सूर्यंकठ प्राप्त हुए ये फल हलदिया दबार अर्थ ये वृक्ष भितर से शक्ति अच्छी से सूर्यंकठ हलदिया रंग अधिका ग्रहण करे बा अग्नि संरक्षित कर रखिबार शक्ति आंब वृक्ष अच्छी आमे जितेबले जो प्रकृति कथा आमे देखु जे ऋतु अनुसार फल सृष्टि हुए एवं ऋतुर प्रकोपरु शरीर को सुरक्षा दवापाई आमको विभिन्न प्रकार ऋतु विभिन्न फल दे ठीक सेमती आंब फल कथा खरा दिने खरार प्रकोपरु मनीष शरीर को रक्षा करने खरा दिनिया फल भाव आंब सृष्टि कर प्रकृति एवं ये हूँ प्रकृतिर गोटे बरदान आम भितर शीतलता प्रदान करने तेणु जो अग्निर कथा पड़ला जो गच्छ कथा आम कहे जे गच्छ जो मैंने
लगाउछन्ति से वृक्ष द्वारा जेतेबेले एक रु अधिक वृक्ष हो जाउछि सेतेबेले मात्रा अधिक हो जाउछि अग्निंकर एवं अग्निंकर प्रकोप रे कौन हुए जेतेबेले देह रे उत्ताप वृद्धि हुए सेतेबेले मस्तिष्क विकृति घटिबार संभावना थाए तो मस्तिष्क विकृति जेतेबेले घटे सेतेबेले आमे विभिन्न प्रकार उद्भट कार्य करिथाउ जहा द्वारा परिवार उपरे कुप्रभाव पड़िबार संभावना थाए तेणु से जो उत्ताप अच्छी से उत्ताप आम शरीर उपरे कुप्रभाव विस्तार न करू आम भितर सुप्रभाव विस्तार करू आम सबु कार्य को सुढंग आम जदि एक रु अधिक आंब वृक्ष लगेचे तो से जगार आम अंबिका को पूजा करवा निहाती दरकार तो अंबिकांकर जितेबाला आम पूजा अर्चना करूचे से अंबिकांकर आशीर्वाद वे जो जंत्रर सुप्रभाव आम शरीर उपरे रहुचि जेतिक अग्निर आवश्यकता अच्छी अंतर्यज्ञ करने से अग्नि ही आम भितर प्रज्वलित रो ये हूँ आंब वृक्षर कथा अनेक समय आम देखीचे साधारण टू साधारण कार्य जदि नुआकर चाल कर आंब डाळरे हळदी पानी छिंचन करिबा जदि आमे कळसटे बसौचे सेठी आमे आंब डाळटे बसैबा जदि भलमंद पूजा होउची कोठी आमे काहाकु बरणी करूचे आंब पत्रर आवश्यकता अछि तो ए गुड़ी करे ए पदार्थर आवश्यकता काहेकि अछि जदि कोनोसी कार्यरे पदार्थ भितरे थिबा पदार्थ ज्ञान आमर कोनोसी सुफल प्रदानकारी न हुए ताले से पदार्थ व्यवहार करिवा विधि नुहे तो विधिवद्ध भाव में आमको से पदार्थ व्यवहार करने को कहा जाए थी यार अर्थ ता पछरे विशेष किसी कारण अच्छी से कारण को मध्य आम चर्चा करवा विशेष भाव में केमती आंब वृक्ष आम मानक साहय कर दर्शक बंधु आंब गच्छ को नहीं अनेक चमत्कार सत्यर उपस्थापन आपण मान निकट में केमी आंब गच्छ आमको तेज प्रदान करे आंब गच्छर मध्य ये क्षमता रही सूर्यंकर शक्ति संपन्न तेजमय रश्मि को निज अंगरे धारण करि पारे आगामी अध्याय जानिबा एमती अनेक कथा कलसरे काहेकि लागे आंब डाळ काहेकि नुआ चाळ घरटिए हेले आंब डाळ रे बा आंब पत्र रे हळदी पाणी सिंच दिया जाए घर पछरे आ पछे घर उपरे आ पछरे विज्ञान अछि ना अछि बुढ़ीमा जनित अंधविश्वास एमती अनेक रसमय आ रहस्यमय कथा को नहीं आपण मानक प्रज्ञा को समृद्ध करने पुणी आसवे विज्ञानी गुरु श्रीसंत और सहित पुणी आसवि मुझे समय गुरुजी को विदाय दबा जय गुरुदेव गुरु जय गुरु आपण मान सहित देखा हम पुणी आगामी अध्याय से जय विदाय दिंतु जय गुरुदेव जय जगन्नाथ। प्रार्थना आम आनंदर उत्सव।